गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की कि आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा और क्या क्या आपको करना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले। तो कई सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जितने भी लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है तो उन सभी को पता होगा कि इसके द्वारा डी फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी से गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। तो जितने भी लोगों ने भरा है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो जितने भी लोगों ने डी फार्मा का फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने ग्रुप ई और E1 और E2 के लिए अप्लाई किया होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में होना है। तो डी फार्मा का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई के समथिंग होगा, क्योंकि 26 जुलाई से स्टार्ट है। तो 26 जुलाई से पहले ग्रुप ए वालों का होगा, उसके बाद बी वालों का होगा, फिर जाके सी, और उसके बाद कहीं डी, कहीं फिर E1 E2 का आएगा। तो इस तरीके से होने वाला है। तो 28 या फिर 29 जुलाई को डी फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो एडमिट कार्ड की बात कर लें तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 16 जुलाई से ऑनलाइन हो जाएगा। आप लोग 16 जुलाई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ करना होगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करोगे लेकिन उससे पहले आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा, मतलब काउंसलिंग भी आपको करनी होगी, मतलब कॉलेज आपको चूज करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको पसंद है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हो तो अभी से डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन सा कॉलेज पसंद है, आपको करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर दे रखा है कि प्रवेश प्रक्रिया, और साथ में आप लोगों को मैं बता दूं आधार कार्ड भी अपडेट करना होगा। यहाँ पर दे रखा है कि प्रवेश परीक्षा की तिथि के 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी द्वारा पॉलिटेक्निक में सीट आवंटन चयन हेतु पोर्टल जीकप, ठीक है, पर अपने आधार नंबर की प्रविष्टि करते हुए। तो आपका आधार नंबर भी यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि अभ्यर्थी को न्यूनतम एक अथवा अधिक से अधिक विकल्प संस्था में पाठ्यक्रम का नाम पोर्टल पर अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी विकल्प पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है तो अभ्यर्थी पूर्णतया काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो आपको जब भी आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड अपडेट करना होगा, आधार नंबर देना होगा, साथ साथ में आपको काउंसलिंग मतलब चॉइस लॉकिंग भी करनी होगी। आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, अगर आप डी फार्मा के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आप लोगों को जितने भी कॉलेज पसंद हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वो सारे कॉलेज आपको डालना होगा, तभी आपका जो है उसी में से सिलेक्ट होके आएगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये अपडेट है। और उसके बाद पहले क्या था कि नेगेटिव मार्किंग होती थी हर साल, लेकिन इस साल नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 में से 100 आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। हर साल नेगेटिव मार्किंग होती थी लेकिन इस साल नेगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो जितने भी लोगों ने डी फार्मा के लिए अप्लाई किया है तो उन सभी के लिए अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है और डेट आ चुकी है, 16 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, लेकिन उसमें आपको आधार नंबर देना होगा और चॉइस लॉकिंग भी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले करना होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, क्योंकि आधार भी अपडेट करना होगा और चॉइस लॉकिंग भी करनी होगी, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो आई होप आप लोग जो है जब भी आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आधार अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी रखा है मूल्यांकन एवं नेगेटिव मार्क, यहाँ पर दे रखा है गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्क्स दे नहीं होगा, ठीक है। किसी प्रश्न के गलत होने अथवा उत्तर के दो विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 4 अंक दिए जाएंगे, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने पर उस प्रश्न का उत्तर अमान्य माना जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न है उसमें आप एक से ज़्यादा 2 बार टिक कर देते हो तो फिर उसका जो है आंसर नहीं माना जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग स्टडी कीजिए, और 11th और 12th का ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत अधिक कठिन नहीं पूछा जाता है, अगर आपने तैयारी की है तो 11th और 12th पढ़ लीजिए, उसी में से लगभग आता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका, उसी में से आता है। जितने भी लोग यूपी बोर्ड्स हैं तो यूपी बोर्ड की बुक फॉलो करें, उसी में से लगभग सब कुछ उठा के एग्जाम में रखा जाता है। तो यही कुछ था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी डी फार्मा के क्वेश्चन हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लेना।